हॉरर कहानियां थी। हॉन्टेड शादी। कार्तिक जैसे ही दरवाजा खोलकर अपने कमरे में दाखिल होता है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कार्तिक की नई नवेली पत्नी शीला फर्श पर लेटी हुई बहुत तेज कांप रही होती है। अरे ये क्या शीला, अरे तुम नीचे फर्श पर क्यों लेटी हो? आज हमारी सुहागरात है, देखो बेड कितनी अच्छी तरह से सजाया गया है। चलो बेड के ऊपर आ जाओ। मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ठंड के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे शीला, ये अचानक तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम ऐसी भयानक आवाज में क्यों बातें कर रही हो? कौन शीला? मैं कालिका हूँ, कालिका। अरे ये सब क्या हो रहा है? कार्तिक, कार्तिक मुझे बचाओ, कार्तिक मुझे बचाओ। शीला की आवाज और ये बात सुनते ही कार्तिक के होश उड़ जाते हैं, वो बुरी तरह घबरा जाता है। तुम फिक्र मत करो शीला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे पहचान में एक अच्छा डॉक्टर है, मैं अभी उसे बुला के लेके आता हूँ। अरे पागल, कोई भी डॉक्टर मुझे तेरी पत्नी के शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी पत्नी के शरीर को छोड़कर चली जाऊं, तो मुझे इंसानों का सर काट कर दे, उन्हें खाने के बाद मैं तेरी पत्नी को आजाद करके चली जाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। कार्तिक इसकी बात मान लो, वरना ये मेरी जान ले लेगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना कार्तिक, क्या तुम मुझे इतनी आसानी से मरने दोगे? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर कार्तिक शीला के और करीब जाता है। तभी शीला की आंखों में देखते ही कार्तिक की आंखों में एक नशा सा छाने लगता है। जाओ अपने भाई के कमरे में जाकर उसे उसकी पत्नी और बच्ची के साथ मार डालो, मुझे इन तीनों का कटा हुआ सर चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अब कार्तिक घर के तहखाने से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी निकाल कर लाता है और अपने भाई के कमरे में दाखिल हो जाता है, जहाँ कार्तिक के अंदर आने की आहट से वो दोनों पति पत्नी जाग जाते हैं। अरे कार्तिक, क्या हुआ भाई, तू इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आया है? अरे देवर जी, आखिर बात क्या है? आज तो आपकी सुहागरात है ना, और ये आप हाथ में कुल्हाड़ी लेकर क्या कर रहे हो? मुझे तुम तीनों के सिर काटने हैं। अरे पागल हो गया है क्या, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? ए कार्तिक, तूने कहीं शराब तो नहीं पी रखी? इस पर कार्तिक तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है। मुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है, इसलिए तुम तीनों को तो मरना ही होगा। चाचा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी चाचा को कमरे से बाहर निकाल दो। ये सब क्या है कार्तिक, चलो बहुत हो गया, तुमने हमारे साथ बहुत मजाक कर लिया, अब निकलो बाहर। लेकिन कार्तिक निकिता को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कुल्हाड़ी से उसके शरीर पर वार करने लगता है। कमरे की पूरी दीवार निकिता के खून से नहा जाती है, चारों तरफ खून ही खून बहने लगता है। दर्द से तड़पती हुई निकिता अपने प्राण छोड़ देती है।
जिसे देख उसका पति और बेटा सदमे में रह जाते हैं। अरे अरे ये तूने क्या किया? तूने सच में निकिता की जान ले ली? अरे तू पागल हो गया है क्या? अब तुम दोनों की बारी है। अब कार्तिक बिना एक और पल गवाए सीधा अपने भाई पर वार कर देता है, जिसके साथ खून की एक लहर बह उठती है। नहीं 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 नहीं। जहां एक तरफ कार्तिक अपने भाई और भाभी को मारकर उनका कटा हुआ सर अपने पास रखता है, वहीं दूसरी तरफ उसका भतीजा मोहित मौका देख किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर तहखाने में जाकर छिप जाता है। उधर कार्तिक अपने भाई और उसकी पत्नी के कटे सिर को लेकर अपने कमरे में जाता है। ये देखो कालिका, मैं इन दोनों का सिर काट कर ले आया हूँ। दोनों सरों को देखकर शीला दौड़कर उन्हें कार्तिक के हाथ से छीन लेती है और अपनी लंबी जुबान से दोनों सिरों और उनसे बहते खून को चाटने लगती है। उसके बाद शीला अपने नुकीले दांतों से दोनों सिरों को खाने लगती है। कार्तिक वहीं फर्श पर बैठकर शीला के सर को सहलाने लगता है। देखते ही देखते शीला दोनों सिरों को पूरी तरह खा जाती है। कालिका, कालिका, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, अब तुम मेरी पत्नी का शरीर छोड़कर चली जाओ। अभी मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और इंसानी सर चाहिए। तुम अपने माता पिता के कमरे में जाओ और उनका सिर काट कर ले आओ। कार्तिक एक बार फिर कुल्हाड़ी उठाता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने माता पिता के कमरे में पहुंचता है, जहां दोनों बूढ़े पति पत्नी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। कार्तिक उनके शरीर पर मौजूद कंबल को खींच लेता है। अरे बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को तू यहाँ क्यों आया बेटा? मैं तुम दोनों की जान लेने आया हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहू को कमरे में अकेले छोड़कर तू ये कुल्हाड़ी लेकर क्यों घूम रहा है? और तेरे शरीर पर इतना खून कहाँ से आया? मैंने विनोद और उसकी पत्नी को जान से मार दिया है, अब मैं तुम दोनों को भी मार कर तुम्हारे सिर काट लूंगा। हे भगवान, हमारा बेटा पागल हो गया है। अरे आप जल्दी से किसी को फोन करके बुलाइए, वरना ये सच में हमारी जान ले लेगा। कार्तिक के पिता बगल के टेबल में रखा मोबाइल उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते ही है कि तभी कार्तिक कुल्हाड़ी के वार से उनके हाथ के दो टुकड़े कर देता है। नहीं, नहीं, तभी कार्तिक की माँ दौड़कर खिड़की के पास पहुंच जाती है। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, हमारा बेटा पागल हो गया है, ये हमारी जान ले लेगा, अरे कोई तो हमारी मदद करो। खामोश हो जा बुढ़िया। इतना कहकर कार्तिक कुल्हाड़ी के एक ही वार से अपनी माँ की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। ये खौफनाक नजारा देख कार्तिक के पिता को उसी वक्त दिल का दौरा पड़ जाता है और वो तड़पते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद कार्तिक कुल्हाड़ी के अगले वार के साथ अपने माता पिता का सिर काट कर अलग कर देता है और उन्हें लेकर वापस अपने कमरे में चला जाता है, जिसे देख शीला दौड़ कर दोनों सिरों को पकड़ कर खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों सिरों को भी पूरी तरह खा जाती है। देखो देखो, अब तो तुमने मेरे माता पिता का सिर भी खा लिया है। चलो चलो, अब मेरी पत्नी को आजाद कर दो। अभी तेरा भतीजा जिंदा है, मुझे उसका सिर भी खाना है। बच्चों का मुलायम सिर खाने में बड़ा मजा आता है। बस तू अपने भतीजे का सिर काट कर मेरे पास लिया, उसके बाद मैं तेरी पत्नी को हमेशा के लिए आजाद करके यहाँ से चली जाऊंगी। अब शीला बड़े प्यार से कार्तिक के चेहरे को अपने हाथों से सहलाती है। इसकी बात मान लो ना डार्लिंग, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, जाओ जल्दी से अपने भतीजे का सिर काट कर लिया। ठीक है, मैं अभी अपने भतीजे का सिर काट कर लाता हूँ। उसके बाद कार्तिक पूरे घर में घूमकर मोहित को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। मोहित, मोहित कहाँ है तू? बाहर निकल। देख, अगर तू चुपचाप मेरे सामने आ गया तो तुझे आसान मौत मिलेगी।
वरना अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। चल चल जल्दी से बाहर आ। कार्तिक की ये डरावनी आवाज सुन बेचारा मोहित तहखाने में डर के मारे कांपने लगता है। थोड़ी ही देर में कार्तिक मोहित को ढूंढता हुआ तहखाने में पहुंच जाता है। मोहित, मोहित तूने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सबसे पहले मैं इस कुल्हाड़ी से तेरे दोनों हाथ पैर काट लूंगा, उसके बाद तेरा सिर काट लूंगा। नहीं नहीं चाचा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो चाचा। इतना कहकर मोहित वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी कार्तिक लपक कर मोहित का पैर पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए तहखाने से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन तभी मोहित फर्श पर पड़ा डंडा उठाकर कार्तिक के सर पर दे मारता है। थोड़ी देर के लिए कार्तिक का संतुलन बिगड़ जाता है। ये देख मोहित तेजी से भागता हुआ घर के मेन गेट पर पहुंच जाता है। अरे मेन गेट पर तो ताला लगा है, पता नहीं इसकी चाबी माँ ने कहाँ रखी होगी, मैं क्या करूं? अब डर से मोहित गेट को तेजी से हिलाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरे चाचा पागल हो गए। अरे दिवाकर अंकल मेरी मदद करिए, मुझे बचाइए। नंदिनी आंटी कहाँ हो आप? मेरे चाचा मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाइए। तभी कार्तिक कुल्हाड़ी लेकर मोहित के पास पहुंच जाता है। मोहित फौरन कार्तिक का पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ मोहित की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग दीवार कूदकर घर के अंदर आते हैं और कार्तिक को पकड़ लेते हैं। पड़ोस में रहने वाला नितिन नाम का आदमी तुरंत पुलिस को बुला लेता है। घर में लाशें देख पुलिस वालों और पड़ोसियों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तूने क्या कर दिया बेरहम, अपने पूरे परिवार को मार डाला। कालिका, कालिका चुड़ैल ने मेरी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लिया है, उसे ही बचाने के लिए मैंने ये सब किया है। अब सब कार्तिक के कमरे में दाखिल होते हैं, जहाँ शीला मुस्कुराते हुए उन सबको देखने लगती है। शीला की सूरत देख पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये लड़की, ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो 4 साल पहले ही मर चुकी है, फिर ये यहाँ जिंदा कैसे? पुलिस वाले शीला की ओर बढ़ने ही लगते हैं कि तभी शीला कमरे की खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है।